हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम वीडियो कैनवा में वीडियो एडिटिंग का पार्ट टू देखने जा रहे हैं। तो कैनवा में वीडियो एडिटिंग मतलब करने के लिए आपको पहले के क्या क्या रेडी करना चाहिए वो चीज़ का ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसका बाद कैसे एग्जैक्ट वीडियो बनाना है और कैसे एडिटिंग करना है उसी बारे में बात करेंगे। वीडियो बनाने के लिए पहले हमको एक अच्छा इंट्रोडक्शन या इंट्रो आपको चाहिए और एंगेजिंग कंटेंट्स जो आपका फील्ड में जो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जिस नीश में आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं उसी फील्ड का आपको एक एंगेजिंग कंटेंट चाहिए और स्टोरी टेलिंग में चाहिए। और उसका बाद आपको जो दिखाना चाहते हैं आपका ऑडियंस को या आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और वीडियो को एंगेजमेंट करना चाहिए विथ विजुअलाइज और भी इफेक्ट के द्वारा आपको कंटेंट्स को आप एंगेज करना चाहिए। और लास्ट में कॉल टू एक्शन आता है। इसी जो छह चीज है, इसी छह चीज का ऊपर के वीडियो का जो बेस है वो रहता है। ठीक है, पहले हम चलिए देखते हैं इंट्रो के अच्छा इंट्रो कैसे बनाएंगे। मैं आपके लिए एक छोटा सा इंट्रो बनाया हूँ तो इसी इंट्रो को थोड़ा देखते हैं। यही स्पेशल इंट्रो को हम कैसे बनाएंगे और नया नया इंट्रो भी हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, इसको पहले थोड़ा आप देख लीजिए। देखिए ये इंट्रो हम कैसे बनाएंगे। ये इंट्रो अभी हम पूरा एक ब्लैंक सीट है, इसी ब्लैंक में कैसे हम बनाएंगे ऐसा इंट्रो। ठीक है, आप जो ऐसा इंट्रो खुद भी बना सकते हैं। आप अभी वही इंट्रो को हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या करना है, आप एलिमेंट में चला जाइए। एलिमेंट में जाके आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो लिखने के बाद सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा इंट्रो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सपोज आप ग्राफिक्स में, फोटो में, वीडियो में किसी टाइप का इंट्रो आप ढूंढ रहे हैं इधर आपको मिल जाएगा। नहीं तो और एक ऑप्शन है आपका पास, एलिमेंट में भी मिल जाएगा। नहीं तो डिजाइन में चला जाइए, डिजाइन में जाके इधर इंट्रो लिखिए। ठीक है, मैं पहला वाला ही उठाया हूँ। ठीक है, इसको क्या आप, मैं सपोज आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपका कलर पैटर्न से आप खुश नहीं है तो कलर पैटर्न भी इधर आके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, सपोज आपका चैनल का नाम, सपोज आपका चैनल का नाम ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आइए। ठीक है, इसमें आप, मैं मेरा चैनल का नाम स्त्री क्रिएटिव से, मैं स्त्री क्रिएटिव से लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है ना, आपको जो एनिमेशन है उसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड में जाके, बैकग्राउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लेटर अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड में जाके आप ए वाला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने का, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो कुछ दूसरा आप लगा देने से भी हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। देखिए अभी इसको थोड़ा प्ले करके दिखाएंगे, उसके बाद कहाँ से उसका एग्जैक्ट ऑडियो कहाँ से लाएंगे वो चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, वही जब हम ऐसे, क्या है जो साउंड आ रहा है, एक बूम मतलब बम एक्सप्लोजन वाला एक साउंड आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आप एलिमेंट में आ जाओ। वही जो आपको दिमाग में जो चीज आ रहा है, वीडियो एडिटिंग कुछ नहीं है कि क्रिएटिव है, आपका दिमाग में आ रहा है बूम, वही बूम लिखो। ठीक है, क्योंकि एक बूम का साउंड आ रहा है। और उसका बाद आप ग्राफिक्स में नहीं, आपको ऑडियो देना है तो ऑडियो में आ जाइए। ठीक है, ठीक है, ऑडियो में वही चीज है कि याद रखना है, एक क्रशर को आप स्टार्टिंग में रखना चाहते हैं तो इसको प्ले पहले सुन लीजिए, थोड़ा एक ऐसा बस ये अच्छा लग रहा है वही साउंड दे दीजिए। ठीक है, देखिए अभी हम उसको प्ले करके देखते हैं कैसा एग्जैक्ट वही साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट साउंड आ गया है। ठीक है, ये हो गया इंट्रो की बात हो गया। आप थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक आपके लिए और एक इंट्रो जिसका सपोज नेचर रिलेटेड है, सपोज कोई मतलब हमारा नेचर से रिलेटेड कोई बना रहा है या फोटोग्राफी कर रहा है, देखिए उसके लिए कितना अच्छा है। ओनली इसमें क्या लिखना है, आप यही जगह को हटा के आपका जो सपोज फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफी लिख दीजिए।
फोटोग्राफी और आपका चैनल का नाम जो है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये सब्सक्राइब वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हटाओ, इधर डायरेक्ट आओ एलिमेंट में, वही सब्सक्राइब लिखो। सब्सक्राइब लिखने से वही सब्सक्राइब वाला आपको जो चीज अच्छा लग रहा है उसको इधर डाल दो, ठीक है। आपको ये वाला अच्छा लग रहा है उसको वही जगह में आपको उसको रख दो। कैनवा में एक्चुअली वीडियो एडिटिंग बहुत आसान है, आपको थोड़ा मतलब जानना है कौन सा टूल कहाँ है, ठीक है। इस एडिटिंग करने के बाद आपको जो इंट्रो पार्ट हर टाइम वही 5 सेकंड से 10 सेकंड का बीच ही रखना है। देखिए मैं कैसे उसको सेट कर रहा हूँ, इसमें आप जब सेट करेंगे देखिए एक 4.75 ऐसे एक टाइमर दिखाता है, ठीक है। वही टाइमर के हिसाब से आप सेट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम और आपका म्यूजिक क्या है, वही म्यूजिक को भी थोड़ा नीचे उसका ट्रैक है, म्यूजिक का ट्रैक है, ट्रैक को देख के आप सेट कर लीजिए तो बहुत आसान रहेगा। ये वाला थोड़ा नेचुरल है तो हमको नेचुरल वाला साउंड चाहिए, तो नेचुरल मतलब आप वही आइए इधर, फिर वही नेचुरल साउंड लिखिए, नेचर नेचर साउंड। आपको नेचर वाला साउंड चाहिए तो वही नेचर वाला आइए, फिर ऑडियो में आ जाइए, तो इसको थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है। तो इसका क्या ना, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा है, इसको कैसे घटाएं, इसको क्या करना है ना, सीधा आइए इसमें ड्रैग करके भी आप कम कर सकते हैं, या ड्रैग नहीं करना चाहते हैं साहब बड़ा है तो इधर बीच में जहां से आप उसको उड़ाना चाहते हैं वहां क्लिक कीजिए, स्प्लिट ऑडियो में क्लिक कीजिए, ए वाला पार्ट को राइट क्लिक कीजिए, जो दूसरा को आप उड़ाना चाहते हैं डिलीट ट्रैक हो गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा प्ले करके देखते हैं कैसा लगता है, कितना अच्छा साउंड इफेक्ट है, ठीक है। और उसका बाद आता है ए इंट्रो खत्म हो गया, और एंगेजिंग कंटेंट्स कैसे बनाना है। एंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए आपका पास कुछ मतलब क्या, जो आपका जो कंटेंट्स रिलेटेड कंटेंट्स है, सपोज मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करें, ठीक है। वीडियो एडिटिंग कैसे करें, देखिए मैं इसे एक बनाया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। उसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं, उसको एग्जैक्टली उसको बना के मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ऐसे पीछे से कैसे टेस्ट आता है, आगे से कैसे टेस्ट आता है, ये चीज देखेंगे, ठीक है। ये क्या ना वीडियो एडिटिंग में जस्ट क्या है, इसको देखो पीछे वीडियो एडिटिंग है, आगे कुछ बंदे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और आगे सिंपल है, तो इसमें क्या लगता है वीडियो एडिटिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपका क्रिएटिव का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो देखिए क्या करना है, पहले हमको वही जो वीडियो एडिटिंग जो आपका मतलब जो आप सोच रहे हैं ना, आपका जो स्क्रिप्ट जैसा है उसको लिखने के लिए इधर कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो एडिटिंग देखिए मिल गया, वीडियो एडिटिंग आप ढूंढेंगे उससे बेहतर कैसे, सपोज ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी ये अच्छा लग रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो एडिटिंग क्या करना है ना, एक आप कैसे करते हैं, एक रूम में करना चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है, एक रूम में होना चाहिए वीडियो एडिटिंग। इसके लिए हम क्या ना एक वॉल का बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वॉल बैकग्राउंड होगा तो हम पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो सपोज वॉल होंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने, देखिए इसको हम अभी सिलेक्ट कर लिए, इसका क्या ना हम कलर पैटर्न हो गया या उसका कलर सब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी देखिए अभी पूरा जेन्युइन लग रहा है, मतलब कोई बंदा कर रहा है, वो थोड़ा उसको और करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो अभी फ्रंट पार्ट में, उसको हम पीछे रह जाएंगे। पीछे रहने के लिए क्या क्या, लेयर में जाना है, लेयर में जाके उसको बैक कर देना है, देखिए वो पीछे चला गया, नहीं तो ये वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हटाइए। क्या ना इधर फोटो में आ जाइए, फोटो में देखिए मैं जो एग्जैक्ट यूज किया था ये वाला है, ठीक है। उसको पूरा आपका स्क्रीन में ले जाइए, स्क्रीन में लेने के बाद उसको बैक करके लेयर में पूरा बैकवर्ड्स कर दीजिए, ठीक है, हो गया ऐसा रेडी। ये अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट कैसे, उसका पीछे कैसे टेस्ट लाए,
उसका आगे कैसे टेस्ट लिखे, पीछे कैसे टेस्ट लिखे, ठीक है। और आगे पीछे टेस्ट लिखने के लिए वही सिंपल सा ट्रिक है, क्या करना है, टेस्ट में आ जाइए, इसके बाद इधर आ जाइए, आपको वही चीज लिखना है, वीडियो एडिटिंग। सपोज आप लिखने चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग लिखने के बाद क्या करना है, एक कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, हम उसको रेड कर देते हैं, रेड करके उसके बाद उसको थोड़ा देखिए, ये फंड भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये फंड चेंज कर दिए, ठीक है, इसको बड़ा कर दिए, बड़ा कर दिए, बस हो गया, एक सेकेंड। और ये क्या ना, एक पीछे से पीछे रहना चाहिए, ठीक है, क्या करना है उसको, उसका ऊपर क्लिक करो, वीडियो जो एडिटिंग लिखा हुआ है लेयर में आओ, उसको बैक कर दो, ये पूरा बैक चला गया, क्योंकि उसका ऊपर हम एक जो वाल वाला लेयर दिए थे, इसलिए वाल को और एक बार बैकवर्ड करने से वो आ जाएगा, ठीक है। और इसको ना हम थोड़ा इफेक्ट देंगे तो और अच्छा लगेगा, इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर आप एनिमेशन में आ जाइए, ये इधर से साइड से खुलना चाहिए, ठीक है, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, साइड में खुलेंगे, खुलेगा तो अच्छा लगेगा, उसका स्पीड को आपका स्क्रिप्ट के हिसाब से आप फास्ट या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और क्या ना, हम लिखेंगे अभी वो आगे वाला, तो अभी सिखा दिया आपको, ये तो बहुत सिंपल है, वीडियो एडिटिंग सिंपल है, सिंपल बस सिंपल लिख दीजिए। वो पीछे वाला जो कलर रखेंगे, आगे वाला वही सेम कलर नहीं रखने से अच्छा है, क्योंकि आगे वाला थोड़ा आपका क्रिएटिव थोड़ा अच्छा रहेगा, और उसको थोड़ा आपका हिसाब से, आपको जैसे जहाँ जहाँ से निकालना चाहते हैं वहां से सेट कर दीजिए, ठीक है। मैं उसको व्हाइट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर ब्लैक का ऊपर थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए उसको भी आप चाहते हैं उसका एनिमेशन भी थोड़ा चेंज हो जाए तो और अच्छा लगेगा, पीछे जो एनिमेशन दिए हैं आगे वो एनिमेशन मत दीजिए, ठीक है। देखिए अभी अच्छा लगा, वो बीच वाला खाली जो एलिमेंट को मैं चेंज कर दिया, अभी देखिए, अभी ए वाला एलिमेंट को भी थोड़ा प्ले करके देखते हैं कैसा दिखता है, देखिए अच्छा लगता है। इसको इसमें आप म्यूजिक भी दे सकते हैं और कुछ ये कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ना, अभी और दो तीन चीज मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ। सपोज आप कोई एनिमेटेड वाला या कुछ करना चाहते हैं, इधर आप आ जाइए आप्स, आप्स का सेक्शन में, आप्स का सेक्शन में बहुत सारा चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिए। सपोज आप कोई ये इधर पिक्सेल में आके बहुत सारा फुटेज इमेज, सपोज आप कुछ मतलब डालना चाहते हैं आपका निक्स का अकॉर्डिंग, तो इधर भी डाल सकते हैं। और एक चीज में जो अच्छा चीज है दिखाता हूँ, गूगल मैप इधर इंसर्ट कर सकते हैं, गूगल मैप लिख दिए, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ यूएसए, ठीक है, यूएसए, सॉरी यूएस नहीं, बी हो गया, यूएसए, यूएसए सर्च करो, यूएस का इधर मैप दिखा दिया आपको, ठीक है, जस्ट क्लिक करो, देखिए आ गया, ठीक है, आपको मैप बाहर से ढूंढ के इधर ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप मैप इधर शो कर सकते हैं, ये हो गया। और एक ऑप्शन, और इसको आप और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आओ, क्या ना, इधर इमोजी, इमोजी आपको इधर बहुत सारा इमोजी मिलता है, तो आपको सर्च करने से मिल जाएगा, सपोज स्माइल वाला, स्माइल वाला इमोजी आपको चाहिए, ठीक है, देखिए स्माइल वाला इमोजी भी डाल सकते हैं, कोई हंसने वाला या ऐसा कुछ, मतलब इधर भी अवेलेबल है आपके लिए। और क्या अवेलेबल है, आप इधर मकअप यूज कर सकते हैं, मकअप मतलब आपको आपको एंगेजिंग करने के लिए, सपोज एक बंदा है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, इमेज को ही मकअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसका अंदर देखिए अभी एक सेकेंड हो जाएगा, आपका इमेज कन्वर्ट हो जाएगा, इसी मकअप का अंदर आ जाएगा, ठीक है, देखिए आ गया, इधर नहीं था, इधर जो इमोजी हम डाले थे इधर साइन नहीं था, आ गया साइन, ठीक है। ऐसा टाइप का आपको थोड़ा मतलब रिसर्च करना पड़ेगा, कैसे
क्या करना है थोड़ा सब चीज को। मैं पहले मेरा एक वीडियो था उसमें मैं पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन किया हूँ कैसे ये साइड वाला टूल्स क्या है, ये वाला टूल्स क्या है। वो एंगेज करने के लिए आप इसको एनिमेशन को इस्तेमाल कीजिए, आपका पोजीशन को इस्तेमाल कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सपोज आप क्या ना एक चाहते हैं एक रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट को आप उड़ाना चाहते हैं, या आपको हेलीकॉप्टर का एक सीन है सपोज। हाँ, हेलीकॉप्टर का एक सीन, उसको हम थोड़ा जैसे क्या ना ये वाला सीन देते हैं, ठीक है, ये वाला हेलीकॉप्टर आ गया, ठीक है, ये थोड़ा रियल नहीं लग रहा है यार, ये रियल वाला लाते हैं, ठीक है। ये सपोज क्रैश होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपका स्क्रिप्ट सपोज ऐसा है, ठीक है, क्रैश होने के लिए जा रहे हैं। क्रैश होगा तो क्या होगा, वो इधर उधर घूमेगा। इसके लिए क्या है ना, आप एनिमेशन में आ जाओ, एनिमेशन में इधर क्रिएट एनिमेशन एक है, ठीक है, क्रिएट एनिमेशन में क्लिक करना है। देखिए इधर कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आपका हेलीकॉप्टर ऐसा ऐसा जाना चाहिए, ऐसा 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 घूम घूम के जाके क्रैश हो गया, ठीक है, आप ऐसा ही करना चाहते। देखिए देखिए ऐसे आपको स्लो करना है, स्लो स्पीड आपका हिसाब से आप इधर सेट कर सकते हैं, करने के बाद डन कर दीजिए। और उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आप उसमें कुछ मतलब फायर वाला बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो फोटो में आ जाइए, वही फायर बैकग्राउंड लिख दीजिए, ये फ्लावर हो गया, ठीक है, ऐसा टाइप का सपोज आप लगाना चाहते हैं या कुछ ये करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, उसको लेयर करके बैक कर दो, बैकवर्ड कर दो, हो गया, ठीक है। उसको प्ले करके देखते हैं कैसा दिखता है। देखिए उसको थोड़ा अच्छे से बनाने से और अच्छा लगेगा। ये हो गया वीडियो का एंगेजमेंट की हो गया। और लास्ट में आता है क्या, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या करना है हमको, वही मतलब हमारा व्यूअर को बताना है, इसमें हमारा चैनल को आए हैं तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा पेज में थोड़ा घंटी दबाओ, ऐसा वाला चीज जो होता है ना उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, वही एलिमेंट में आ जाइए, फिर उसको हटा के लिख दिए वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ओनली लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखने से आपको उसका बहुत सारा एलिमेंट आ जाएगा। सपोज आप चाहते हैं नहीं मैं तो मेरा फेसलेस वीडियो है मेरे लिए कोई बोल दे, ठीक है, इधर देखिए वीडियो फॉर्मेट में आ जाइए, देखिए एक आगे एक मोहतरमा आगे, आप उसको आप बुलाना चाहते हैं। सपोज ये वीडियो आप चाहते हैं भाई ऐसे ही रहे, क्योंकि मेरे को छोटा बड़ा नहीं चाहिए, इसे पीछे वाला बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दो। पीछे वाला बैकग्राउंड चेंज करने का टाइम है सेम कलर, देखिए सेम कलर नहीं हो रहा है तो क्या करना है ना, वही कलर पीछे वाला स्क्रीन को सिलेक्ट करो, कलर सेक्शन में आ जाओ, प्लस में क्लिक करो, एक पिक वाला कलर कर लो, पिक वाला कलर लेके एक को सिलेक्ट कर लो, और उसका बाद देखिए अभी थोड़ा ग्रेडियंट या कलर की करेक्शन की जरूरत है, नहीं तो लगभग सेम कलर आपको मिल गया, ठीक है, इधर उसको सेट कर देना है प्रॉपर वे से। और वो क्या बोल रहा है, देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस तरफ लाइक बोल रहा है, नीचे शेयर बोल रहा है, ठीक है, ऐसा टाइप का हम लाइक शेयर अभी ढूंढेंगे कहाँ है, ठीक है, इधर देखिए अब आ जाने से इधर बोल रहा है लाइक, ठीक है, उसका लाइक को उस तरफ रख दो, इधर रख रख दो लाइक को, और सब्सक्राइब वाला को नीचे रख दो, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। हर टाइम वो जो एनिमेटेड वाला होता है उसको यूज करने से क्या ना आपका, देखिए शेयर शेयर वाला को लगा देते हैं, ठीक है, शेयर वाला लग गया। और उसके बाद एनिमेशन वाला जो सब्सक्राइब वाला आ गया, ठीक है, उसको प्ले करके देखते हैं कैसा लगता है। आपका वॉइस ओवर ये सब तो आपको नॉर्मली करना पड़ेगा, इधर तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, इधर आपको सब इफेक्ट और ये डाल के आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं। और आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ या दिक्कत होता था मेरे को मैसेज करने से, आपको ऐसा टाइप का इफेक्ट नहीं मिल रहा है, नहीं चल रहा है, तो मैं आपको पर्सनली हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ।
तब तक गुड नाइट, गुड बाय।